मार मार कर कमर तो मेरी ही मरती है ना। याद रखो। और राशन कार्ड बन गया? गए भी थे तुम? किसको परवाह है? माँ का ऑपरेशन कब पे है? इसका मतलब तुम अस्पताल भी नहीं गए? अकेले कहाँ कहाँ मरूंगी? अरे बोलते क्यों नहीं कुछ? क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं। और ये सिन्हा का काम हुआ या नहीं? नहीं किया ना? सबकी हफत मेरे सर। अगर होता नहीं है तुमसे तो लपक कर एहसान क्यों ले लेते हो? कौन सा एहसान ले लिया? जाहिर है तुमने फेल कर दिया। मैंने जो सिफारिश की थी कोई और करता तो। क्या कहना चाहती हो? क्या जवाब दूंगी मैं उसको? हाँ, और वो क्या जवाब देगा अपने अफसर को? उसके प्रमोशन का क्या होगा? लड़का पास होने लायक नहीं था तो इसमें मैं क्या कर लेता? लड़का अगर पास होने लायक होता तो वो आके तुम ही से बोलता। सिम्हा क्या सोचेगा? आप सोचा भी है? अच्छे एहसान फरामोश लोग हैं। अब इसमें एहसान फरामोशी क्या है? तुम्हें ये नौकरी किसके कारण मिली? हाँ, और ये मकान, अस्पताल में सुविधाएं कौन दिलवा रहा है? कभी सोचे इसके बारे में? नहीं नहीं, आप क्यों उसके बारे में सोचोगे? आप सिर्फ अपने और अपने सिगरेट के बारे में सोचोगे। एक दो नंबर बढ़ा भी देते तो कौन सा आसमान फट जाता? चुप रहोगी? हाँ हाँ, चुप ही हूँ। जब से इस घर में आई हूँ तब से चुप ही हूँ। कुछ बोला है मैंने? तुम जाकर बैठते क्यों नहीं हरिश्चंद्र के खाली आसन पर? नमस्कार। नमस्ते दुबे, बैठ। चाय बनाओ? जी बस। जानते हो शहर में क्या खबर फैल रही है? कैसी खबर? अब क्या बताऊं भाभी, बदकिस्मती से आज ही कॉलेज नहीं जाना हुआ था और इसने ये बखेड़ा कर दिया। जानती हूँ, आज इसने प्रेसिडेंट के बेटे को ही नकल करते हुए दर्द पूछा। राजकुमार को? हाँ, राजकुमार को, शहर के सबसे बड़े गुंडे को। सब कुछ जानते समझते हुए भी तुम्हारी अपने पर पत्थर क्यों पड़े रहते हैं अरविंद? चूरा सामने रख के नकल कर रहा था, छोड़ देता। साहब तुम्हें तो बचे हो साले ईमानदार। सच्चाई की औलाद, आराम से रहना, किस्मत पर बदा हो तब ना। क्या गरज पड़ी थी? कल रात को नकल करने देते, क्या निकल जाता? देख कर तो मक्खी नहीं निकली जा सकती है ना। तो क्या इस बात पे झगड़ा होगा? खूब झगड़ा होगा भाभी, और अच्छी खासी मारकाट होगी इस बार। तुम भी क्यों समझा रही? सारी उम्र तो इसकी आदर्शवादी बेवकूफियों का साथ देती रही। जब समझाने की उम्र थी तब तो समझाया नहीं। जैसे मेरी तो सब सुन ही लेते हैं ना। अरे अगर नहीं सुनता तो विरोध क्यों नहीं किया? लेकिन बड़प्पन हाँकने की आदत तुम्हारी भी कहाँ जाएगी? मेरे भी कुछ सुन लोगे? कान पक गए हैं तुम्हारी बातें सुनते सुनते। फिर कहाँ तो सोचा था कि साल दो साल में तुम प्रिंसिपल बनोगे और मेरी वाइस प्रिंसिपल के लिए रास्ता खोलोगे, पर कहाँ ये बखेड़ा खड़ा कर दिया तुमने। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते दोस्त? पहले अपनी चमड़ी बचाओ, जब जाकर लगाना इनकी चमड़ी को हाथ। अच्छा, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं? हाँ तुम। मैं पकड़ता है सारे कागज और जाकर उसके टेबल पे रख देता कि करिए इत्मीनान से नकल करिए, आखिर अपने बाप का क्या जाता? ये सोचते हो तुम? मैं सोचता ही नहीं अरविंद, लेकिन तुम ठहरे ना मिडिल क्लास के आदमी, हर छोटी से छोटी चीज को ग्लोरीफाई करेंगे, हाहाकार मचाएंगे। आखिर मैं पूछता हूँ कि तुम्हें पूछता कौन? दूसरों के लिए सवाल छोटा हो सकता है या दो, लेकिन तुम्हारे मेरे लिए जीने मरने की बात है। प्रोफेशनल एथिक्स नाम की चीज नहीं है। मत दो अरविंद, समझे? जब से तुमने विमलेंदु का द्रोणाचार्य नाटक खेला है ना, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। छोड़ो ये मिडिल क्लास का नपुंसक जोश और जाकर रिपोर्ट वापस क्यों दो? और नहीं तो क्या अरविंद? हाँ, क्या तुम देख नहीं सकते यार, पहली तारीख को तुम्हारी विधवा बहन तुम्हारे मनी ऑर्डर का इंतजार करती है और तुम्हारी माँ कैंसर से अस्पताल में पड़ी हुई। अरे जरा अपनी तरफ नहीं तो इनकी तरफ देखो। छोड़ो ये सिद्धांत उद्धांत की मूर्खता और जाकर रिपोर्ट वापस लेकर आओ। ये समझाना बेकार ही है तू भाई, समझदारी से ही तो उनकी दुश्मनी है। अभी भी वक्त है, तुम जाओ और अपना रिपोर्ट वापस ले लो। रिपोर्ट वापस नहीं ली जा सकती। अगर नहीं ली जा सकती तो मरो फिर यहाँ। जब भाभी से प्रेसिडेंट नौकरी से निकालेगा ना, जब अगले ठिकाने आएगी इसकी। ऐसे कैसे निकाल देगा? मेरे साथी है क्या, वो मेरा साथ नहीं देंगे? कौन सी दुनिया में जी रहे हो अरविंद?
चलो मुझे इस बात का जवाब दो कि विमलेंदु का साथ किसने दिया था और क्या हुआ था उसके साथ। गुंडों ने बीच चौराहे में उसकी जान ले ली थी। क्या किया था भाभी उसने? उसने भी बड़े घर के लड़के को नकल करते हुए धर दबोचा था। एक तो सलाह आदमी गवाही देने जाए और सर सब दम दबा कर बैठ जाते। तुम विमलेंदु का नाम लेके मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हें डराने नहीं आया हूँ अर्जुन, केवल इतना कहने आया हूँ कि अकेले पड़ जाओगे। देखो कोई साथ दे या ना दे, मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा, बस बात खत्म हो। मैं सिर्फ तुम्हें समझा सकता था, आगे जैसे तुम्हारी मर्जी हो कर। मैं यहाँ पे सिर्फ पागल की तरह बोलता रहता हूँ। जानते हो किस तरह घसीट रही हो तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी? एक एक पैसे की खींचतान बची हुई है और तुमने ये फिर से नई मुसीबत खड़ी कर। निपट लोगे, हाथ निपट लोगे, नौकरी ही छोड़कर बैठ जाओ। इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले तुम ही हो जिसने ये दुनिया को सुधारने का ठेका ले रखा है। मैंने कब कहा कि मैंने ठेका ले रखा है? तो समझते क्यों? अब क्या ऐसे भटकने की तुम्हारी उम्र रह गई है? 30 साल हो गए हैं शादी, किसी एक बात का तो ठिकाना होता। कम से कम भगवान के लिए ऐसा तो कुछ मत करो कि अब लगी लगाई रोटी भी हाथ से छिन जाए। अब तुम बता दो किससे किससे डरना है। उस प्रेसिडेंट से डरो जो कॉलेज को दुकान की तरह चलाता है। अपने साथियों से डरो, अंगूठा साफ साथी। अब तुम्हारे हिसाब से अब मैं विद्यार्थियों से भी डरना शुरू कर दूं? जिंदगी भर डरता रह जाऊं? लड़कों का कुछ भरोसा भी तो नहीं है। किसी का भी साथ दिया है इन्होंने आज तक जो तुम्हारा देंगे? कहीं विमलेंदु की तरह तुमके भी? देखो मैं कह रही हूँ अभी भी वक्त है, अभी उनके जाके बोल दो कि तुमसे गलती से हो गया और रिपोर्ट वापस ले लो। रिपोर्ट वापस नहीं ली जा सकती लीला। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? देखो इतने साल हो गए हैं शादी के, कभी एक बार भी ऐसी कोई बात कही मैंने जो तुम्हारे मन के खिलाफ थी? आज कह रही हूँ मतलब कुछ तो बात होगा ना। प्रेसिडेंट साहब बहुत अच्छे आदमी है, वो समझ कह रहा हूँ ना लीला मैं, कि रिपोर्ट वापस नहीं ली जा सकती, मैं बेईमानी नहीं कर सकती। कभी एक बार भी सोचा है कि इस घर में अकेले कौन जिया है? तुम, केवल तुम। हम सबको अपनी अस्तित्व का कभी एहसास ही नहीं हुआ। तुम सिर्फ तय करते रहे कि ऐसे जीना है और हम वैसे ही जीते रहे। पर देख लो अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हूँ, हर बात में तुम्हें बोलती हूँ, इसीलिए मेरी कदर नहीं। जब कल को मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे ना तब तुम्हें सब पता चलेगा। तुम कैसे हो सर? गेट आउट सर। सर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। हाँ ना, मैंने मेरे घर से निकल जाओ। मैंने उस दिन झूठ नहीं बोला था कोई भी। सर प्लीज मैं एक बार क्या मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। एक बार सुन लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको लगे मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सर अपनी चप्पल निकाल के मार दीजिएगा। सर मैं चला जाऊंगा। मैंने नकल नहीं की थी उस दिन। कागज किसके हाथ में था? हाँ सर मैं मानता हूँ मेरे हाथ में था, पर मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया था। सर आप जानते हैं मेरे आगे कौन बैठा था? कौन? प्रेसिडेंट का लड़का राजकुमार। वो सबके सामने छुरा रखकर नकल कर रहा था और मिश्रा सर वो उनकी ड्यूटी हमारे कमरे में ही लगी थी सर। वो तो उसको देख के भी अवॉइड कर रहे थे। सर जहाँ तक उस कागज की बात है सर मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी क्या थी। सर वो कागज राजकुमार का ही था। वो उड़कर मेरे पास आया था सर, मैंने उसे उठा लिया, सोचा जाके मिश्रा सर को जाके दे दूंगा, बट उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी सर। वो मेरा हाथ खींचकर प्रिंसिपल के रूम में ले गए सर। वहां पर प्रिंसिपल के रूम में सर कॉलेज का प्रेसिडेंट भी बैठा था। तुमने कोई बदतमीजी की होगी? नहीं सर, मुझे इतना याद है कि मैंने कोई बदतमीजी नहीं की सर। वो मेरा हाथ खींचकर प्रिंसिपल के रूम में ले गए और सर वहां प्रेसिडेंट भी बैठा था कॉलेज का सर। उसने मुझे वो आदमी मुझे शिकारियों की तरह घूर रहा था सर वहां पे बैठे बैठे। सर उसने राजकुमार की रिपोर्ट की जगह मेरी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भिजवा दी, क्योंकि सर मेरा कोई अपराध नहीं था। कोई जानबूझकर तुम्हें क्या फंसाएगा? नहीं सर, ये जानबूझकर नहीं किया। मेरे पिताजी और प्रेसिडेंट का राजनीतिक विरोध है। वो आने वाले चुनाव में प्रेसिडेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं तो मैं उस विरोध की बलि बनाया गया हूँ सर। क्या चाहता है?
सर मैं आ ही जाता हूँ। मैंने सुना आपने राजकुमार को पकड़ा है, क्या उसकी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भिजवाई जा रही है? पहली बात तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात वो प्रिंसिपल साहब का काम है, मैंने उन्हें बता दिया। सर मतलब होना चाहिए मुझे, आप जानते हैं कि ये जो रिपोर्ट है वो दबा दी गई है, और सर आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप वो रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भिजवाएं कैसे भी। कैसे कैसे क्या सर, साथ देना आपको हमारा? सर आप जानते हैं इस साल हम सारे कॉलेज के लड़के मरने मारने पर तुले हैं, हम कॉलेज की ईट से ईट बजा कर रख देंगे, लेकिन राजकुमार इस बार नहीं बच सकता सर। मतलब तुम लोग अब इस बार आंदोलन करोगे? दूसरा कोई चारा ही नहीं छोड़ा। सर ये राजकुमार ये कॉलेज के सारे प्रोफेसरों को अपने बाप का नौकर समझता है सर, और कॉलेज को जायदाद समझता है। हम ऐसे नहीं चलने देंगे सर, लड़ाई लड़ रहे हैं तो ढंग से लड़ेंगे, और आपको हमारा साथ देना होगा सर। आपको सबके सामने बस खड़े होकर इतना बोलना होगा कि राजकुमार ने छुरे के बल पर नकल की। जानते हैं सर अगर आपने इतना बोल दिया ना, हम ये लड़ाई जीत जाएंगे। ये जो इतने सालों से नकल हो रही है सर बंद हो जाएगी, ये जो गुंडागर्दी हो रही है दफन कर दी जाएगी सर। हमारे लिए इतना बोल सकेंगे आप? मुझे लगता है कि मैं नहीं बोल पाऊँ। सर लोग ठीक मौके पर बदल जाते हैं, मुझे आप तो कोई शक नहीं है, बट हो सकता है इस बीच आपको डराया जाए, धमकाया जाए, नौकरी से हटाने की बात करेंगे, आपको जान से मारने की भी धमकी। धमकियों से नहीं डरता मैं, सर इसलिए बस आपके पास आया, मुझे सर आप पर पूरा भरोसा है। हम कल से धरना देंगे, हड़ताल करेंगे, ये लोग फिर भी नहीं माने तो हम लोग परीक्षा बर्खास्त कर देंगे सर। बोलो बोल क्यों नहीं रहे? सर मैंने आपको बताया सर, लोग ठीक मौके पर बदल जाते हैं। अगर इस बीच आप बदल गए ना तो याद रखिएगा हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो तुम मुझे मेरे ही घर में धमकी देने आए हो यहाँ पे? हाँ धमकी नहीं सर, रिक्वेस्ट करना है सर। हम कॉलेज वाले लड़कों के लिए तो मरने मारने का प्रश्न बन गया पूरा, बाकी जो साथ नहीं उसे विरोधी मानते हैं। बाकी सर आप तो मेरे गुरु हैं, आपसे आग्रह करने हैं सर। माफी चाहूंगा इतना क्लियर कट बोलने के लिए, बट मैं सैकड़ों साथियों की तरफ से बोल रहा हूँ, नोट कर उनको जवाब भी देना है सर। बस इतना ही बताने आया था कि आप मत बदलिएगा, क्योंकि अगर इस बीच आप बदल गए तो हम तो सबसे पहले आप ही को पकड़ेंगे, फिर जो कुछ भी होगा आपके साथ आप देख लेना। चलता हूँ सर। क्या तय किया आप? मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा सर। शाबाश मिस्टर विंड, हम आपके इसी ईमानदारी के कायल हैं। तो क्या ख्याल है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए या नहीं? इसी बात पे तो विरोध है सर, और हम भी यही चाहते हैं, लेकिन प्रिंसिपल साहब तो कह रहे थे। उसे मारिए गोली, क्या नहायत ही गधे किस्म का आदमी है, ना पर्सनैलिटी है ना ग्रेस है, केवल हे करता रहता है। 60 का हो गया, सोचता हूँ रिटायर कर, लेकिन आप ही बताइए कि सही आदमी मिलेगा कब? तो प्रिंसिपल साहब तो कुछ और ही कह रहे थे सर। क्या कह रहा था? यही कि आप हमारे मालिक हैं, हमारे। अरे कहा ना, नहायत ही बेवकूफ़ किस्म का आदमी, उसे क्या मालूम कौन इस किसका मालिक है, किसका अन्नदाता है। तो क्या चाहते हैं आप? हम भी यही चाहते हैं कि अपराधी की खोज हो और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मतलब आप राजकुमार को अपराधी नहीं मानते? मिस्टर अरविंद वो अपराधी हो सकते हैं, लेकिन असली अपराधी। तो असली अपराधी कौन है सर? अब हमसे पूछेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि आप जी। डरिए मत, बैठ जाइए। हमारा मतलब कि आप लोग, वो पिछले 3 साल से नकल कर रहा है, उसे उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा गया? उसके इस बेहूदा हरकतों के बारे में हमसे शिकायत क्यों नहीं की गई? आखिर आप लोगों को डर किस चीज़ का है? आपका सर। हमारा जी, अपनी सुरक्षा का, अपनी रोटी का। भले हम किसी का क्या बिगाड़ते हैं? कि आपके शब्द नियम नहीं होते यारो, गलत है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपका लड़का एक आवारा गुंडा है, और फिर भी ना जाने का बोल रहा है मिस्टर अरविंद। सर आपने चंदो की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी के ऊपर हमने भिजवाई जी, हमारी उससे क्या दुश्मनी हो सकती है?
क्या उसके पिता आपके राजनीतिक विरोधी नहीं? क्या आप उसके बाप की इमेज खराब? अब अपनी हद से बहुत आगे जा रहे हैं सर। बेहतरी इसी में है कि आप राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी जाने दीजिए। इसका मतलब साफ है कि आप रिपोर्ट वापस लेंगे? जी नहीं। हमारा भी आरोप सुन लीजिए आप। हाँ, हमारे खिलाफ इन लड़कों को भड़का रहे हैं, शहर की शांति और व्यवस्था को खतरा पहुंचा रहे हैं, हमारे खिलाफ इन नालायक लड़कों की नेतागिरी कर रहे हैं आप। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये गलत है। अगर कल तक आपने रिपोर्ट वापस नहीं ली तो हम कॉलेज बंद करा देंगे। बंद करवा दीजिए। अरविंद, समझने की कोशिश करिए कि कॉलेज बंद करने से बात सुलझेगी नहीं बल्कि और उलझ जाएगी। सर, रिपोर्ट कॉलेज को बंद करवाने की धमकी मैंने नहीं दी। राजकुमार को एक और रखिए, जरा ध्यान से सोचिए कि इस घटना से हमारी पब्लिक इमेज में कितना बड़ा धक्का पहुंचेगा और हाथ से चुनाव का टिकट चला जाएगा। न जाने घर से क्या सोच कर आया था, यहाँ आया तो आपने पूरा रुख ही बदल दिया। अब बात धरी की धरी रह गई। यू आर द ओनली प्रोफेसर हुम आई रिस्पेक्ट सो मच। यह है ना आपका प्रिंसिपल, सोचा था उसकी छुट्टी कर दो, साला कॉलेज की नाश मार कर रखा है और उसकी जगह आपको प्रिंसिपल। जी कहा ना, यू आर द ओनली प्रोफेसर। हाँ, हो सकता है कुछ मामले में आपसे विरोध है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने कभी भी आपकी योग्यता पे कोई शक किया। क्या आप मुझे यहाँ खरीदने आए हैं? सर, विद माय कार्ड्स आर ओपन। अब आप खुद सोच लीजिए हम कहाँ कहते हैं, आप कलम उठाइए और तुरंत फैसला कर लीजिए। टेक योर ओन टाइम, लेकिन हाँ, कल सुबह तक जरूर बता दें। चलते हैं। चाय तो पी लीजिए। कल सुबह फैसला सुनने के बाद। कीमत सुनी तुमने? बिना कीमत कुछ मिलता भी है इस दुनिया में? अरे क्या हो गया? और भड़काओ चंदू नाम की लड़की को। तुम्हारा नाम लेकर शहर में लड़कों को भड़का रहा है। इंकलाब और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं पूरे शहर में अरविंद। अरे कौन कह रहा है कि मैंने चंदू को भड़काया है? अरे ऐसा वो लोग सोचते हैं। देखो, अगर तुमने रिपोर्ट वापस नहीं ली तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। और नहीं तो क्या भाभी, एक तो उसने राजकुमार की नकल पकड़कर उसका विरोध किया, अब चंदू का साथ देकर उसकी सत्ता ही पलट देना चाहता है। तुम मुझे यहाँ डराने आए हो? मैं किसी को डराने नहीं आया हूँ अरविंद, मैं केवल इतना कहने आया हूँ कि भाभी अगर ये लोग विमलेंदु की हत्या कर सकते हैं तो तुम्हारी क्यों नहीं? हर बात तुम्हारे खिलाफ है। जाओ, रिपोर्ट वापस लेकर आओ। मैं कहती थी ना, कोई भी साथ नहीं देगा, सबको यहाँ पे अपनी अपनी पड़ी है। देखो अभी भी वक्त है, तुम जाकर रिपोर्ट वापस ले लो। और फिर ये प्रेसिडेंट ने प्रिंसिपल बनाने की भी तो बात कर रहा था। हाँ तो प्रिंसिपल बन जाओ ना, और मेरी वाइस प्रिंसिपल के लिए रास्ता करो। देखो दोस्त, अगर तुम प्रेसिडेंट का साथ दोगे तो वो भी तुम्हारा साथ देगा, और बात रही चंदू और उसके साथियों की तो प्रेसिडेंट ने खुद निपट लेगा। जाओ, तुम रिपोर्ट वापस लेकर जाओ। बकवास बातें मत करो, तुम लोग यहाँ पे खड़े हो। बकवास वो नहीं तुम कर रहे हो, कभी एक बार समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? 2 साल से एक साड़ी नहीं खरीदी मैंने, बस से आते जाते रहते हो। तुम्हें कुछ लगता नहीं कि तुम्हारा कभी मन नहीं करता ढंग से जीने का? अरे तुम्हारे छोड़ो, मेरा मन नहीं करता ढंग से जीने का। देखो अरविंद, रिपोर्ट वापस लो। अगर भाभी ने रिपोर्ट वापस नहीं ली ना तो जानती हूँ राजकुमार का साथ देने पर इसकी हत्या तय है, और चंदू का साथ देगा तो सामाजिक हत्या, हत्या से बच नहीं सकता अभी। मैं सोचती थी कम से कम एक बार तो मेरे बारे में सोचोगे, पर नहीं, तुम्हें सब अपने बड़ी अपनी खुशी के अलावा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। अरविंद मेरी बात स्वार्थी कहीं। देखो रिपोर्ट पर तुम्हें मुझे और चंदू में से एक को चुनना पड़ेगा। अरे तुम लोग चुप रहोगे? मेरी बात सुनो, मेरा दिमाग कभी काम नहीं करता। जाओ, जरा मेरी बात कहां ना, चले जाओ यहां से अभी। और तुम मैं तो जाओ, मैं चलता हूं।
कौन हो तुम? पहचानो क्या? साल भर में ही भूल गए। हमारी आवाज तो विमलेंदु की, पर चेहरा? अब मैं बिना चेहरे का आदमी हूं। यानी कि तुम विमलेंदु हो? हाँ, विमलेंदु तुम्हारा दोस्त। तुम्हारा चेहरा कहाँ गया? मौत ने उतार कर रख दिया। चेहरे हमेशा जिंदा रहते हैं, बदले जा सकते हैं, पर मौत हमेशा चेहरा उतार कर रख देती है। यहाँ पर कहाँ से आए? तुम्हारे मन की अंधेरी गलियों से। बहुत अंधेरा है वहां, सीलन भरी हजारों सुरंगे और तहखाने, बहुत कचड़ा जमा कर रखा है तुमने। मुझे भी बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला। किसने बुलाया? तुमने और किसने? मैंने मैंने नहीं बुलाया। मैं क्यों बुलाऊं? झूठ मत बोलो। मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाता है। मैं बोलो, बुलाया है या नहीं? अरविंद। हाँ बुलाया, पर क्यों बुलाया? मैं बताऊं? तुम जानना चाहते हो कि मरते वक्त मैं क्या सोच रहा हूं। जब लोगों ने मुझ पर हमला किया तो मेरी मनोस्थिति क्या थी? हाँ, बलिदान के उस वक्त में तुम क्या सोच रहे हो? बलिदान शब्द का इस्तेमाल बंद करो अरविंद। मैं तुम्हारे क्लासरूम में बैठा फर्स्ट ईयर का लड़का नहीं हूं जो वजनी शब्दों के माया दर्पण में अपना चेहरा झांकने लगा। मैं शब्दों से परे हूं, चेहरों से परे हूं अरविंद। पर तुमने जो किया वो बलिदान था, आत्मत्याग था। पर वही बलिदान, पता है, चिता पर मेरी लाश रखी थी और तुम लोग लेक्चर दे रहे थे। हर आदमी ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मेरा कितना जिगरजान दोस्त है। मुझमें जो नहीं था उसकी भी बखान कर रहे हैं। और जानते हो असलियत क्या है? मैं कैसे जान सकता? तुम जानते हो पर कहोगे कैसे? सब तरस खा रहे थे मेरी बेवकूफी पर। अरे, होड़ लगी हुई थी हरामी लोगों में। एक ने तो इसी होड़ में मेरे बाप को क्रांतिकारी कहा, तपस्वी और त्यागी कहा। क्या जानता था कि मेरा बाप गंजेड़ी था और सट्टा लगा था। यानी कि तुम अपनी मौत पे दुखी हो? और नहीं तो क्या, मेरी कोई उम्र थी मरने की? अभी 3 साल पहले ही तो शादी हुई थी। जवान बीवी का प्यार, एक दिल्ली सी चंचल बुढ़िया और नाटक की दुनिया में नाम पैदा करने की ख्वाहिश, सब धरा का धरा रह गया। तो तुमने नकल क्यों पकड़ ली? बेवकूफी के लिए कोई तर्कशास्त्र नहीं होता। आ गया जोश में, हो गई मूर्खता। मुझे नहीं पता था कि सजाए मौत मिलेगी मुझे। और नकल उसका क्या? अरे भाड़ में जाए नकल। तुम साले मिडिल क्लास के आदमी, जब तक अपनी समस्या को ग्लोरीफाई नहीं करोगे चैन नहीं है तुम्हें। क्या चाहते हो? वही जो तुम्हारा भीतरी मन चाहता है। देखिए, जाओ प्रेसिडेंट से समझौता करो, प्रिंसिपल बनो। नहीं, मैं समझौता नहीं करूंगा। तुम नहीं करो? नहीं, मैं भी देखता हूं। मेरे नाटक का द्रोणाचार्य भी यही कहा करता था। तुम द्रोणाचार्य की तुलना मुझसे कैसे कर सकते हो? तो कितना शक्तिशाली था, पर मैं छोटे छोटे मोर्चे निकालता और हार भी जाता। नहीं 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 अरविंद, उस द्रोणाचार्य ने भी दावे किए थे तुम्हारी तरह। उसे समझो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। उसे याद करो अरविंद, उसे याद करो। याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, याद
अभी चाहिए मुझे। अगर तुम नहीं देगी ना तो तुझसे कभी बात नहीं करूंगा और पिताजी से भी कभी बात नहीं करूंगा। क्यों रे, तू मेरा कहना भी नहीं मानेगा? तेरा क्या, किसी का कहना नहीं मानूंगा। मुझे गोरस चाहिए, गोरस ला। अगर तू नहीं देगी ना तो सर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगा। तो मर जा, अरे गोरस हो तो लाऊं। पिता ने यहाँ गाय नहीं बांध रखी है। मुझे गोरस चाहिए, गोरस ला, नहीं तो ले। अच्छा ले। अच्छा खेल खेल, गोरस पिएगा गई है। नहीं, भीतर ही है। देखो ना, दूध के लिए हट कर रहा है, सर पटक पटक कर प्राण दे रहा है अपने। अब रोएगा तो देखना, हटी कहीं का जल्दा। बहुत अच्छा था माँ। कहाँ जा रहे? उस क्षत्रिय कुमार के पास, उसे भी जाकर बताता हूँ कि हमारे यहाँ भी गोरस है। आपको दरिद्र भिकमंगा ब्राह्मण कह रहा था। द्रुपद ने क्या कहा तुमसे? इतने दिनों बाद देखकर तुम्हें प्रसन्न हुआ होगा ना वो? लाओ पात्र मुझे तो। क्या क्या दिया उसने? 100 से कम गाय क्या दी होंगी ना, कहो ना। 100 क्यों, 1000 दी है उसने। और मुद्राएं कितनी दी? ऐसे ही थोड़े विदा कर दिया होगा उसने तुम्हें। मैं तुमसे कहती थी ना आकर छोड़ दो। तुमने द्रुपद को क्या पिलाया? दूध। और क्या पिलाया? क्या इस पात्र में दूध था? तुम ये कहो ना कि द्रुपद ने तुम्हें उपहार में क्या दिया, क्या क्या भेंटें दी उसने, कुछ तो मदद की होगी ना। हाँ दिया उसने, मेरे माथे पर जमकर लात दी उसने, अपने नौकरों से धक्कर मारकर घर से बाहर निकलवा दिया। हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे कर सकता है वो? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? उस अपमान की कल्पना भी नहीं कर सकती तुम। मेरा अपमान, मेरे पिता का अपमान। अब ऐसा क्या कह दिया उसने? उसने मुझे ढोंगी कहा, पाखंडी कहा, भिकमंगा कहा। और इस अपमान की नौबत क्यों आने दी तुमने? मैंने कृपी, मैंने तो और किसने? मैंने, तुमने जरूर वहां भी अपनी अकड़ दिखाई होगी। आचार्य को और विद्वत्व पर उसे लंबा भाषण दिया होगा। नहीं कृपी, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। जीवन में इतनी समर्पित भाषा कभी नहीं निकली मेरे मुंह से। उसके बाद भी मेरा अपमान, मेरा रोम रोम जल रहा है कृपी। जी में तो आता कि एक बार जो उसका सर छेद कर रख दूं। हाँ ले चुके बदला। जो व्यक्ति अपने इकलौते पुत्र के लिए दूध की दो बूंद इकट्ठी नहीं कर सकता ना, उसके मुंह से ये बदले की भाषा वाचालता है। मेरी शक्ति नहीं जानती तुम। तो और कौन जानता है? मैं अब एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करूंगा जो सिर्फ युद्ध की भाषा बोले। और पढ़ाओगे किसे? विद्यार्थी कहां से लाओगे? और सत्ता को ऐसे ही नहीं उल्टा जा सकता। कहना क्या चाहती हूँ? वही जो द्रुपद के यहाँ जाते समय तुमसे कहा था। जानती हो ना द्रुपद ने क्या किया? मैं कहा कहती हूँ कि अहंकार का घुट पियो। तुम्हें द्रुपद से बदला लेना है तो जरूर लो, लेकिन ऐसे उतावले होकर नहीं। एक योजना बनाओ, द्रुपद की जाति के लोगों से ही उसका नाश कराओ। चलो देखो तो बाहर कौन आए। लग रहे हैं।
आश्चर्य। देखो मैं तुमसे सत्ता की बात करी रही थी और सत्ता तो यहाँ स्वयं चली आ रही है। सुनो विवेक से काम लेना, हो सकता है तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाए। आप यहाँ पर क्या आप जैसे आचार्य के दर्शनों का लाभ ना लूं? लेकिन आप और हमारे यहाँ पर आचार्य द्रोण, आज तक आपकी धनुर्विद्या के बारे में केवल सुना ही था परंतु आज देख भी लिया, धन्य है आप। ऐसा क्या देख लिया आपने पितामह? धनुर्विद्या का ऐसा चमत्कार जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की। कैसा चमत्कार? आचार्य ने अपने बाणों की सहायता से कुएं में गिरी गेंद को बाहर निकाल दिया। जब पांडु और धृतराष्ट्र पुत्रों ने इस बात की जानकारी दी तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन ये तो मेरे लिए बहुत साधारण सी बात है। मैं आपके इस चमत्कार से अभिभूत हूँ आचार्य। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि आप चल के राजपुत्रों का आचार्य पद ग्रहण करें। राजपुत्रों का आचार्य और मैं, इसमें आपत्ति क्या है? मुझे थोड़ा विचार करने का समय दीजिए। ये तो शालीनता के कारण ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इन्हें आपकी बात स्वीकार है। तो मैं निश्चिंत हुआ, चल के आपके आगमन का प्रबंध करता हूँ। लेकिन भीष, मैं आपसे ये आप इनकी बात मुझ पर छोड़ दीजिए। ये परसों यानी गुरु पूर्णिमा के दिन राजसभा में अवश्य उपस्थित हो जाए। अति उत्तम। गुरु दक्षिणा के लिए गुरु पूर्णिमा से शुभ दिन कहाँ होगा? आचार्य आपको रथ लेने आएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। जो विचार करने का भी समय नहीं दिया। क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ तुम विचार करते तो हाँ नहीं कह पाते। इसका परिणाम जानती हो ना तुम? हाँ अच्छे से। अन्न और वस्त्र की कभी कोई कमी नहीं होगी, कुछ तो सम्मान से रह सकेंगे। और तुम द्रुपद से बदला भी तो ले सकोगे। सही कहा, द्रुपद से बदला। और सच बात तो यह है कि उसका नाश किए बिना बाब एक चैन से नहीं रह सकता। अब तुम्हारे शिष्य होंगे इस राज्य के भावी शासक, उनकी सेना बनाकर उस द्रुपद को तहस नहस कर देना। जब मेरी नियति में यही लिखा है तो मैं इससे ज्यादा क्या ही कर सकता हूं। मैं तैयार हूं फिर भी। हमारी शिकारी कुछ ऊपर कहीं से बाढ़ आ रहे हैं। कौन हो सकता है? जाने कौन है। कुत्तों का भागना धीरे धीरे बंद हो रहा है, जैसे कोई मानुष है उनका मुंह सी रहा। चलो विद्या का इतना बड़ा चमत्कार आखिर कौन आ सकता है? अर्जुन चल के देखना। चलो गुरुदेव। आप कौन हो तुम और मुझे गुरुदेव क्यों कह रहे हैं? आप मेरे गुरुदेव इसीलिए। लेकिन मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूं। पहली बार नहीं गुरुदेव, दूसरी बार। क्या 10 वर्ष पहले मैं आपसे नहीं मिला था? मैं आपका शिष्य बनना चाहता था। और तब आपने मेरी प्रार्थना ठुकरा दी। सही किया था, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार मेरी धनुर्विद्या केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए है। लेकिन योग्यता और प्रतिभा, उन दोनों से व्यवस्था बड़ी होती है। क्या ये सच है? मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी यही कहता है। लेकिन जन्म पर तो मेरा कोई अधिकार नहीं था। क्या जन्म से पहले अपने माता पिता तय करने की सुविधा प्रकृति देती भी है? मनुष्य का जन्म एक अनचाही व्यवस्था में होता है, मैं क्या ही कर सकता हूँ इसे। क्या आप भी इस व्यवस्था में विश्वास करते हैं? जो व्यवस्था तोड़ी नहीं जा सकती उसमें जीकर ही विश्वास किया जा सकता है। तुमने ये धनुर्विद्या सीखी कहाँ से? इतनी अच्छी विद्या तो मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं आती। ये सब आपकी कृपा है। मुझे बेकार ही महत्व दे रहे हो तुम। नहीं गुरुदेव, मैंने आपका पुतला बनाया, उसके चरणों में बैठकर अभ्यास करता। गुरु के बिना भी इतना क्या?
धन्य हो। गुरुदेव क्या ये संभव? जो अपनी आंखों से देख रहा हूं उसको झुटलाया कैसे जा सकता है? आपके आशीर्वाद से मेरी विद्या प्रदान अपने इस वनवासी शिष्य से गुरु दक्षिणा मांगी है। लेकिन किस आधार पर? मैंने तुम्हें दिया ही क्या है? प्रेरणा। ये तो तुम्हारी शालीनता है। चाहे जो हो मैं आपको गुरु मानता हूं। अब मैंने यह भी सिद्ध कर दिया कि मैं एक बहुत नालायक शिष्य नहीं हूं। जरूर, अगर तुम इतनी जिद करते हो तो जरूर, लेकिन क्या तुम दे भी सकोगे? आप मांगिए तो। पहले तुम नहीं दे पाओगे। क्यों नहीं दे पाऊंगा? पांडु या कौरव का पुत्र भले ना हो, व्याधराज का पुत्र तो हूं ही, कहेंगे तो उनका पूरा राज्य आपके चरणों में। धन नहीं चाहिए मुझे, मेरी गुरु दक्षिणा तुम्हें दुख देगी। प्राणों से अधिक तो कुछ नहीं लेगी। तो सुनो, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए एकलव्य। दाहिने हाथ का अंगूठा? ये क्या मांग लिया आपने? अंगूठा देने के बाद मैं नहीं कह जाऊंगा। आप आशीर्वाद दे दो रक्षा। मांगने के लिए कहा कि क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी? ऐसा प्रश्न, क्या आप इस अर्जुन से इसका दाहिना हाथ मांग सकेंगे? क्या आप भीम से उसकी भुजा मांग सकेंगे? आप मांगेंगे तो भी नहीं है। अगर तुम्हें नहीं देना है तो मत दो, मैंने तुम पे कोई दबाव नहीं डाला था। अर्जुन चलो। वैसी बात नहीं है अर्जुन, तो मैं आपकी एक क्रूरता क्या? आपने उस एकलव्य से उसका अंगूठा क्यों मांगा? धर्म की व्यवस्था के लिए। जानते नहीं, मेरी धनुर विद्या ये वनवासी और शूद्रों के लिए नहीं है। लेकिन आपने शिक्षा दी कहां? क्या आपको गुरु दक्षिणा देना भी अपराध हो गया? एकलव्य का अंगूठा बने रहने का मतलब समझते हो? धीरे धीरे धनुर विद्या पर उसका अधिकार हो जाएगा और इसके बाद उसकी जाति का उस पर अधिकार हो जाएगा और शक्तिशाली होने के बाद वो क्षत्रियों से स्पर्धा करेंगे और परिणाम क्या होगा? वर्णाश्रम पर धर्म संकट। उसका अंगूठा छीनकर मैं ये सब संभावनाएं समाप्त कर देना चाहता हूं, समझे? नहीं गुरुदेव, ये अन्याय है। आपने देखा नहीं उसकी आंखों में क्षत्रियों के लिए कितनी घृणा थी? आपने एक महान प्रतिभा को उभरने से पहले ही कुचल दिया। हाँ, कुचल दिया। उसने मेरे अहंकार को चुनौती क्यों दी? कैसी चुनौती गुरुदेव? वो ये सिद्ध कर देना चाहता था कि वो मेरे बिना ही एक महान धनुर्धर बन सकता है और कल को ये इतिहास मेरी अपूर्णता पर हंसता। ये इतिहास तो कल फिर भी आप पर हंसेगा आचार्य। जब भी प्रतिभा को जाति और व्यवस्था के नाम पर कुचला जाएगा तो लोग आपको ही याद करेंगे। ये इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। ये तुम कह रहे हो? कम से कम तुम्हें तो नहीं कहना चाहिए था। मगर क्यों? क्योंकि वनवासी आगे चलकर तुम्हारी राह का सबसे बड़ा कांटा बनता। बनता तो बनने देते, मैं उससे जीतने के लिए और अधिक विद्या सीखता। नहीं अर्जुन, तुम उसके सामने नहीं टिक पाते। उसकी प्रतिभा स्वयंभू है। परंतु आपके रहते? हाँ, मेरे रहते, क्योंकि एकलव्य ने मुझे भी अपनी सीमा की पहचान दी। तो क्या उसलिए आपने? नहीं, तुम्हें याद है एक बार बहुत प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें एक वचन दिया था, पूरे संसार में तुमसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं होगा। मैं अपना वचन पूरा कर रहा हूं। नहीं गुरुदेव, ये अन्याय है उस पर भी और मुझ पर भी। तुम पर क्यों? क्योंकि मैं संसार के सबसे बड़े धनुर्धर को अपनी आंखों से देख चुका हूं। अब भविष्य में जब कभी मुझे कोई संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर कहेगा तो उसे क्लब का गरम खून से सना हुआ पंजा वो मेरा मजाक उड़ाएगा। गुरुदेव, मैं अपनी अपराधपूर्ण भावना से कभी नहीं जीत सकूंगा।
मूर्खतापूर्ण बातों को बंद करो। नहीं गुरुदेव, अब भी समय है, अब जाइए और उसे क्लब को रोकिए। मैं इस अपराध में शामिल नहीं होना चाहता। चुप रहो, मुझे अपना वचन पूरा करने दो। राजकीय कर्तव्य का पालन पूरा कर। नहीं गुरुदेव, जाइए, आप उसे क्लब को रोकिए। नहीं अर्जुन। नहीं गुरुदेव, वो देखो ये उचित नहीं है। क्लब आ रहा। ये रही आपकी गुरु दक्षिणा गुरुदेव, ये रही आपकी गुरु दक्षिणा। हेलो हेलो जी, कौन? मैं मिसेस शुक्ला। अच्छा मिसेस शुक्ला, जी जी नमस्ते, मैं लीला बात कर रही हूँ। और प्रिंसिपल साहब आ गए क्या? नहीं नहीं, वो भी लौटे नहीं। अच्छा, आपको पता है साड़ी हाउस में नया स्टॉक आया है? क्या कहा, नया स्टॉक? लेकिन मैं तो परसों ही शॉपिंग कर आ रही। ओहो, अच्छा वो आपको बोला था ना कि हम नैनीताल जा रहे हैं। ओहो, अब नैनीताल की तैयारी है। मिस्टर शुक्ला आप दौरे पे जाएंगे? जी ना। हो आइए हो आइए। अपनी गाड़ी लेके जाएंगे सरकारी? अब हमारी तो अपनी गाड़ी है। मौज रहती है आप लोगों की बस। अच्छा ये बताइए कि पीटी पार्टी में तो आ रही है ना? अरे जरूर आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी। अब बहुत खिंचाई करेंगे मिसेस दादा की, अब पुलिस वाले की औरत हुई तो क्या हुआ। और सुदीप के रिजल्ट का क्या हुआ? हाँ हाँ, सुदीप पास हो गया है, फर्स्ट आया है। वाह वाह वाह। अरे हाँ, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, मुझे वो आपसे पूछना था कि ये 100 आम के अचार में कलौंजी कितनी डाली आपने? 100 ग्राम की। 100 ग्राम? मैं तो 125 डालती हूँ। अच्छा चलो, मैं चखने जरूर आऊंगी। अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करती हैं, वो अपना चपरासी है ना, उसको भेज दूंगी आपके पास। अच्छा सुनिए, वो आ गए हैं, मैं जरा बाद में बात करती हूं। अच्छा अच्छा नमस्ते, घर की तरफ आइएगा जरूर। आगे तुम सुनते हो, सुदीप की चिट्ठी आई है। रख दो पढ़ लूं। अरे पूछो भी उसमें क्या लिखा था, मेरिट में फर्स्ट आया है मेरा बेटा। तो क्या करूं, क्या फर्स्ट आना कुछ भी नहीं होता? हाँ तो जाओ मिठाई बांटा। अरे इस तरह काट क्यों रहे हो? काटू नहीं तो और क्या, तुम लोगों की दया से प्रिंसिपल जो हो गया। तो बुरा क्या हुआ? वेलकम इन प्रिंसिपल सर। अरे अनु भाई, आओ आओ बैठो, कुछ चाय नाश्ता लगाऊं कुछ? जी जी बस सुबह करके आ रहा हूँ मैं। अच्छा भाभी, देख रहा हूँ प्रिंसिपल बनने के बाद थोड़ा मुरझाया मुरझाया रहता है, क्या सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही अरविंद? हाँ क्या हुआ, अब बताओगे भी? कुछ नहीं हूँ। देख रही हो भाभी, इसके बचपन का दोस्त हूँ मैं, इसकी नस नस से वाकिफ हूँ मैं, अब बताओगे भी ये चमगादड़ की तरह मुंह लटकाए क्यों बैठे रहते हो? कह रहा हूँ ना कुछ नहीं हुआ, अपना काम नहीं कर सकते हो क्या? क्या हो गया? सुन भी सकोगी क्या हो गया? इस राजकुमार को तुम लोगों ने इतने साल पहले छोड़ दिया था ना, पता है क्या किया उसने? बलात्कार करने की कोशिश की है उसने। पर ये सब हुआ कहाँ पर? कॉलेज में। कॉलेज में? ये क्या बोले जा रहे हो अरविंद, वो भी तुम्हारे रहते हुए ये सब संभव? साथ फूटी हो तो क्या नहीं हो सकता। किस पे हुआ? अनुराधा, तुम चुप रहो, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज राजकुमार इस कॉलेज में। पता भी है क्या हुआ? कॉलेज की छुट्टी हो गई, मैंने सोचा कि घर जाने से पहले एक बार बगीचे को देखा था। मैं बगीचे की ओर जा रहा था तो मुझे एक चीख सुनाई, अनुराधा की चीख। मैं भाग कर गया और क्या देखता हूं कि वो राजकुमार मगर ये लड़की वहां अकेली कर क्या रही? हाँ किसी का इंतजार कर रही। किसका इंतजार कर रही? नहीं बताया उसने। हाँ तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं बताता हूँ भाभी,
रहा होगा इस लड़की का कोई प्रेमी जिसके इंतजार में खड़ी थी वहां। हाँ तो कोई पाप कर रही थी क्या? इसका मतलब इसका रेप कर दिया जाए। कुछ भी मत बोला यहाँ पे खड़े होकर। सुनो ये बताओ क्या लिखित रिपोर्ट कर दी? हाँ कर दी गई। और अगर नहीं करती तो क्या मैं नामर्दों की तरह बैठा रह जाता? अरविंद जरा व्यवहारिक बुद्धि से काम लो। क्या तुम नहीं जानते कि ये नौकरी प्रेसिडेंट का दिया हुआ वरदान? अच्छी तरीके से जानता। और क्या ये भी भूल गए हो कि राजकुमार प्रेसिडेंट का ही बेटा है? हाँ जानता। तो क्या समझ नहीं पा रहे हो? अभी नौकरी छूट जाएगी तब क्या? छूट जाए तो छूट जाए। नौकरी 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 क्यों नहीं, थोड़ी बुद्धि से काम लो अरविंद। देखो नौकरी चली जाएगी तो तुम्हारा ये जो तुम अनुराधा को समझाओ कि वो रिपोर्ट दबा दे। ऐसा करने में अनुराधा की भलाई है। देखो अनुराधा अगर रिपोर्ट दबा देगी तो बेफालतू में जो ये बवाल मचेगा ये बंद हो जाएगा। हाँ हाँ ये सही है। देखो तुम्हें झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा। पागल हो गए हो क्या तुम लोग? अरे मुझे लगा था कि बलात्कार की बात बताऊंगा तो तुम मेरी बात सुनोगे। देखो रिपोर्ट दबाने ने पागल कर दिया है क्या तुम्हें? अरविंद बोलते क्यों नहीं? अरविंद देखो दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें कहता हूँ कि रिपोर्ट दबा। चले जा। मेरी बात तो सुन। चले जा। आपसे जरा अकेले में बात करना चाहता हूँ। मिस्टर अरविंद कॉलेज में इतनी बड़ी घटना होगी और आपने हमें इन्फॉर्म करना तक जरूरी नहीं समझा? ये तो बस आप ही के और आ रहे थे। कितने परेशान थे बेचारे और कह रहे थे कि प्रेसिडेंट साहब भी बहुत परेशान होंगे। क्या आपको कॉलेज से सीधा हमारे घर नहीं आना चाहिए? लेकिन आपको फुर्सत ही कहाँ थी? आप तो उस लड़की से रिपोर्ट लिखाने लगे। रिपोर्ट मैंने नहीं लिखवाई सर। आपने उसे मना भी नहीं किया। क्या वो उसका हक नहीं था? उसे रोकना भी आपका कर्तव्य। अगर आपकी बेटी के साथ बलात्कार मंदर जा। इसका मतलब साफ है कि आप उस लड़की की तरफ से बोल रहे हैं। आप जो समझना चाहें समझ सकते हैं सर। आप नहीं जानते कि अपने लड़के की हरकत पे कितने दुखी हैं। शायद कोई भी बाप होगा। तो उस पर कार्रवाई हो जाने दीजिए। डर कोई और समय होता तो मैं आपकी बात मान लेता, लेकिन इस समय नहीं। क्यों? अब आपसे क्या छिपाऊं? हमें मंत्रिमंडल में लेने की बात चल रही है और आपको पता है कि चुनाव के दिन आ चुके हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी इमेज खराब हो। क्या चाहते हैं? लड़के को बेदाग बचाना भी और हमें मंत्री बनना। आप नहीं जानते अपराध के सार्वजनिक तौर पर स्वीकृति राजनीति में आत्महत्या कहलाती है। सर सार्वजनिक तौर पर मेरी स्वीकृति क्या मेरी आत्महत्या नहीं होगी? तो ऐसा मौका ही क्यों आने देते हैं? कुछ ऐसा सोचिए जिससे ना आपको झूठ बोलना पड़े ना किसी और को। जी नहीं सर, मैं कल सिर्फ सच बोलूं। लगता है आपका धर्मराज फिर से जाग उठा मिस्टर अरविंद। लेकिन आप करेंगे वही जो हम चाहते हैं। आपको जो सोचना है आप सोच सकते हैं। लेकिन आप कल जो कुछ भी बोलेंगे उसमें विश्वास कौन करेगा? मतलब ये कि कल तक आप पुलिस की हिरासत में होंगे। हिरासत? लेकिन इनका अपराध क्या है? विरोध, केवल विरोध। हाँ तो मिस्टर अरविंद हम आपको अभी कुछ देर में टेलीफोन करेंगे तो आप प्लीज इस बात को जरा गहराई से सोच लीजिएगा। इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूँ आपसे। तुमने फिर से ऐसा क्या कर दिया जो जेल जाने तक की नौबत आ गई? अरे कुछ नहीं हुआ, हथकंडे हैं उसके। तुम्हें प्रेसिडेंट तुम्हें धमका क्यों रहा था? हाँ ना मैंने, मुझसे कोई गलती नहीं। क्यों, क्या तुमसे कोई गलती ही नहीं हो सकती? क्या प्रेसिडेंट को इतना नाराज कर दो कि जेल ही चले जाओ? जेल उसका बाप नहीं भेज सकता। नौकरी ले ले तो ले ले। अब नौकरी छूट जाएगी तब क्या होगा समझते? हाँ समझता हूँ। तुम्हारा ही टेलीफोन कट जाएगा, ये बंगला चला जाएगा, नौकर चाकर नहीं रहेंगे, तुम प्रिंसिपल की बीवी नहीं रहोगे आप। नौकरी नौकरी हाँ जाओ। क्या हो गया सर? मैं जानना चाहती थी कि
आप निश्चित रूप से एक्शन ले रहे हैं या नहीं? तुमने अपने माता पिता को सब बताया? जी हाँ, कहते हैं कॉलेज छोड़ दो, चुप बैठो, सोचते हैं हम गरीबों का इस पचड़े में पढ़ना ही ठीक नहीं है। पर क्या तुम अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ एक्शन ले पाओगी? सर क्या आप साथ नहीं देंगे? अरे मैं तो साथ दूंगा। आप जानते हैं मेरे पिता को धमकाया जा रहा है। कौन धमका रहा है? वो राजकुमार और उसके साथी, कहते हैं मेरे पीछे गुंडे लगा देंगे, यहाँ तक कि मेरे पिता को मार डालने तक की धमकी दे रहे हैं वो लोग। तो तुम लोग पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाते हो? जब मेरे माता पिता इस बात को ही आगे बढ़ाना नहीं चाहते तो वो पुलिस में रिपोर्ट क्यों कराएंगे? उन्होंने तो मुझसे तक साफ कह दिया कि अगर मैंने इस पर जोर दिया तो वो मुझे भी घर से बाहर निकाल देंगे। पर फिर तुम जाओगी कहाँ? सभी पुरुष नामर्द नहीं हो गए हैं सर, मुझे अपनाने वाला भी कोई है। पर ये सवाल अभी आपके काम का नहीं है, अभी बस एक्शन होना चाहिए और वो राजकुमार बचकर नहीं जाना चाहिए। क्या मैं उसकी रखेल हूँ या उसके बाप की जायदाद? अरे तुम बैठो, कल मैं राजकुमार को रस्टिकेट कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। सर पर क्या आपने परिणामों का हिसाब किताब अच्छे से कर लिया है? क्यों, तुम्हें लगता है कि मैं उसे रस्टिकेट नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि आप कहते बहुत है और करते कुछ नहीं। मतलब कि ये 3 साल पहले भी आपने चंदू से यही कहा था, उसने आपके हर शब्द पर बैंक की तरह विश्वास किया, पर हुआ क्या? मैंने चंदू से कुछ नहीं कहा था अनुराधा। झूठ बोलते हैं आप, आपने उसका साथ देने का आश्वासन किया था, कॉलेज में लाठियां चली, चंदू को कॉलेज से बाहर कर दिया गया, और आपने क्या किया सर? आपने मुआवजे में प्रिंसिपल ही ले ली। ये झूठ है अनुराधा, प्रेसिडेंट तो उस पर मुकदमा चलवाना चाहता, मैंने उसे रोका था। पर आप मौके पर बदल गए थे सर, इस बात को कॉलेज का हर लड़का जानता है। तुम्हें मुझ पर विश्वास है यार? विश्वास करना चाहती हूँ सर, पर मन डरता है, कहीं आप बदल गए तो मेरा विरोध मजाक बनकर रह जाएगा, लोग सोचेंगे कि मैंने राजकुमार को फंसाने की कोशिश की है। सर तुम खुद एक बार सोचने की कोशिश करो, अगर मुझे तुम्हारा साथ ना देना होता तो मैं तुमसे रिपोर्ट क्यों लिखवाता? कहो तो। ठीक है सर, आज मैं आपके शब्दों पर विश्वास करती हूँ, इस मामले में बस आप ही एकमात्र गवाह हैं, कहीं आप बदल गए तो मैं कहीं के नहीं रहूंगी। नहीं, अब तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई, तुम फिक्र मत करो। राजकुमार को रस्टिकेट कर दूंगा सर, अगर आपने ऐसा किया तो हम आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर देंगे। किस जुर्म में? 15,000 के गबन। पर सर आप जानते हैं कि वो मैंने नहीं किया। अरविंद जी एक बार फिर से सोच लीजिए सर, समय बहुत कम है। जी धन्यवाद। कॉलेज में 15,000 रुपए का गबन हुआ है। लेकिन सर आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे गबन आपने किया हो। अनुराधा तुम बैठो, खड़ी क्यों? हमारे पिता नहीं चाहते कि मैं रिपोर्ट करूं। लेकिन सर अभी फोन आने से पहले तो आप। अनुराधा मैं भी एक औरत हूँ, तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है मैं भली भांति समझ रही हूँ, पर अभी मुझे भी ये लगता है कि बात को आगे बढ़ाने में कोई फायदा नहीं है। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कल आप एक्शन लेंगे या नहीं?
आप कल मेरी ओर से बोलेंगे या नहीं? अनुराधा तुम एक बार सोचने की कोशिश तो करो। अगर राजकुमार को कुछ करना होगा तो वो कॉलेज के बाहर भी तो कर ही सकता है, पर शायद क्षमा उसका मन बदल। आप बातों को टाल क्यों रहे हैं सर? आप साफ साफ बताइए आप कल एक्शन लेंगे या नहीं? हमारे पिता एक अनुभवी इंसान और उनको ध्यान में रखते हुए शायद मैं हमारा साथ ना दे पाऊं। कल साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको आपकी नौकरी का ख्याल था, इस वजह से आप मेरा साथ नहीं दे पाएंगे? मेरा विरोध मजाक बनकर रह गया। मगर अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सर, क्योंकि कल शायद कोई सवाल ही ना उठे। अनुराधा, अनुराधा, क्या हो गया है तुम्हें? अरे बताओ भी, क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो गया है तुम्हें? उठाओगे? आत्मज्ञान हो गया। ठीक से बताते कि मेरी क्या मतलब है? अपने छोटे होने का आत्मज्ञान हो गया लीला। प्रेसिडेंट के इस फोन ने मुझे आज अपनी अपनी औकात दिखा दी। जानते हो क्या कह रहा था? कि मुझ पर 15,000 रुपए का गबन है। तुम्हारे ऊपर? हाँ मेरे ऊपर। बीसीओ शिक्षण संस्थाएं खोल रखी है, सबके फंड के पैसे उठाता है और अपने व्यापार में लगाता है और फिर वापस कमा के लौटा देता है। कल वो सारे पैसे लौटाने ही वाला था, लेकिन आज मैंने उसका विरोध किया और गबन। ऐसा हर बार क्यों होता है? जब भी मुझे कुछ करना होता है तो हर बार मैं समझौते की फांसी क्यों चढ़ जाता हूं लीला? लोग गलत नहीं कहते, मैं दोगला हूं। मेरे पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या कहते। उनकी बातें क्यों सुनते हो? कल तक तो सब सही था ना? नहीं, अब कुछ सही नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा। तुम लिख रहे हो क्या? तो फिर आ गए? मैं गया ही कहाँ था। इस्तीफा क्यों लिख रहे हो? तुमसे मतलब? मेरे सवालों का जवाब दो। सब कुछ जानते हुए भी सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या ऐसी मनोस्थिति में काम कर सकता हूँ मैं? तो और क्या करोगे? अभी तक सोचा नहीं। तुम नौकरी के अलावा कर ही क्या सकते हो? तुमने नई नौकरी करने के लिए तो पुरानी नौकरी को छोड़ा था। मैं कहता हूँ फाड़ कर फेंक दो ये इस्तीफा। ऐसा तुम कह रहे हो? हाँ मैं कह रहा हूँ। मैं तुम्हारी जगह होता तो इस्तीफा लिखता जरूर, लेकिन उसे फाड़ कर फेंक देता। ये जानते हुए भी कि निरपराध लड़की के खून का जिम्मेदार हूँ मैं। हाँ जानते हुए इस्तीफे को फाड़ दो। हाँ फाड़ दो इसे, क्योंकि तुम उस लड़की की आत्महत्या के पूरे जिम्मेवार नहीं हो। कौन है? तीन आदमी, प्रेसिडेंट, लड़की का बाप और तुम। पर उसे धोखा तो मैंने ही दिया। उससे क्या हुआ? अगर प्रेसिडेंट तुम्हें धमकी नहीं देता तो क्या तुम अपना निर्णय बदलते? पता है अनुराधा के बाप ने 5,000 रुपयों में अपना विरोध बेच दिया। लड़की को दूसरे गांव भेजने की तैयारी भी हो गई थी। प्रेसिडेंट ने सारे इंतजाम कर दिए, नहा की सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ओढ़ रहे। अच्छा, पर अपनी आत्मा को क्या जवाब दो? आत्मा?
आत्मा, आत्मा क्या है अरविंद, क्या है आत्मा? आत्मा वात्मा सब बकवास है, केवल शरीर सब। जानते हो मेरी विधवा पत्नी साल भर से नौकरी के लिए तरस रही थी, जो एक छोटी सी नौकरी कर अपना पेट पालती, बच्चों का पेट पालती, उन्हें स्कूल भेजने के बाद मेरी याद में रोती भी। आगे और उसे कोई चैन से जीने कहाँ देता है। उसका एक नया अफसर आया, 60 साल उम्र है उसकी, और वो डोरे डालता है मेरी बीवी पर, उसे प्रमोशन का लालच देता है। कहाँ है आत्मा? केवल शरीर, शरीर सत्य है अरविंद, केवल शरीर। क्या चाहते हो तुम? जाओ रेसिडेंट से समझौता करो, अरे ठाट से नौकरी करो। अभी तक तुमने गबन नहीं किया, करो उसका साथ दो। मैं उस कमीने का साथ नहीं दूंगा। गाली मत दो, वो तुम्हारे लिए काम का आदमी हो सकता है। अरे वो कुछ दिन में मिनिस्टर बनने वाला है, तो शायद एजुकेशन उसके हाथ में आ जाए। तो क्या तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा वो? अरे कुछ तो करेगा, तुम उसके लड़के के लिए इतना कुछ कर रहे हो, कुछ नहीं करेगा? अरे वो जरूर तुम्हें कुछ बनाकर छोड़ेगा। कमलेंदु, अनुराधा की क्या गलती थी? उसने मुझ पर भरोसा किया था और उसने आत्महत्या कर दी। मुझे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने दो। प्रायश्चित ही करना है तो तुम भी आत्महत्या कर लो। उसकी जरूरत नहीं, स्त्री का अपमान कोई नई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, वो तो होता ही रहा। याद करो द्रोणाचार्य को, याद करो, क्यों नहीं उसने कौरवों की दासता छोड़ी? जब द्रौपदी का सार्वजनिक रूप से अपमान हो रहा था तो द्रोणाचार्य वहीं पर खड़ा था, क्यों नहीं वो कुछ बोला? बताओ अरविंद, क्यों नहीं उसने तलवार उठाई? क्यों भूल जाते हो मेरा लिखा हुआ नाटक? याद करो अरविंद, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। सोचता है, जानता भी है इस उम्र में तुझे लोग दार्शनिक कहने लगे हैं। माँ, पिताजी नहीं आए? आते होंगे। जानती है आज सुबह पांडव राजधानी छोड़कर चले गए। जानती हूँ। जानते हुए भी इतना ठंडा उत्तर कैसे दे सकती है तू? तो क्या करूँ, चीखूं? दुख तो इसी बात का है कि कोई चीखता ही नहीं, सबके सब चुप बैठे रहते हैं। तो तू चीखना। अब क्या चीखूंगा, जब चीखना था तब तो चुप रहा कायरों की तरह, मेरा पिता भी चुप रहा। राज्यसभा में उपस्थित और लोग भी तो चुप रहे ना। औरों की बात मैं नहीं जानता, लेकिन पिताजी वो क्यों चुप रहे? मैं सोचता था उनके गर्जना से पूरी राज्यसभा कांप उठेगी, दुर्योधन का खून जम जाएगा। तो तू क्यों नहीं गरजा? तू तो गरज सकता था, बहुत होता वो दुर्योधन का भाई तेरा उसी क्षण वध कर देता। क्यों नहीं बोला तू? भाई तो मैं भी सोच रहा हूँ मेरे संस्कारों में ऐसी क्या गड़बड़ी थी जो मेरा खून गर्म नहीं हुआ, मेरे शब्द फुंकार कर खड़े नहीं हुए। बताओ माँ, कहाँ गड़बड़ी है मेरे संस्कारों में? यह प्रश्न तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? तो किससे पूछूं? मुझे संस्कार किसने दिए? क्या तुमने पिताजी ने नहीं दिए? तो अपने पिता से जाकर कर ये प्रश्न। उत्तर क्यों नहीं देती? रजस्वला एक वस्त्रा द्रौपदी को दरबार में नंगा किया जा रहा था,
और मैं चुप रहा। आकाश के टुकड़े टुकड़े कर देने वाली वो मर्मभेदी आवाज, पुरुष जाति को पुकार रही थी वो। उसके बाद भी मैं चुप रहा। क्यों? मैं नहीं जानती। इसका मतलब है उत्तर जानते हुए भी मेरे प्रश्न को टाल रही हो। माँ, मुझे बचपन से विरोध करना क्यों नहीं सिखाया? अन्याय और अत्याचार को देखते ही अन्याय की गर्दन तोड़ देने की शिक्षा क्यों नहीं दी तुमने? मैंने कहा ना, मैं नहीं जानती। अपने पिता से करिए प्रश्न। सोचती क्यों नहीं, वनवास जाने से पहले पांडव पिताजी से मिलने क्यों नहीं आए? और तो और, उनका प्रिय शिष्य अर्जुन नहीं आया वो भी। अब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, नहीं आए वे, उनकी मर्जी। पिताजी, कल वनवास जाने से पहले पांडव आपसे मिलने क्यों नहीं आए? क्यों ही आते? क्या वो आपके शिष्य नहीं है? लेकिन मैं अब उनका गुरु कहाँ रहा? पिताजी, आप कल दरबार में चुप क्यों रहे? कल से ये प्रश्न मुझे नोच नोच कर खा रहा है। बताइए ना, क्यों चुप रहे हैं आप? क्या इस प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है? जी पिताजी, जब द्रौपदी की पुकार किसी ने नहीं सुनी ना, तब वो आपके सामने आकर खड़ी हो गई थी। याद है क्या कहा था उसने? उसने कहा था, आचार्य ना तो आप पांडव के रक्त संबंधी है ना कौरवों के, आप आचार्य हैं दोनों के। क्या दुर्योधन आपका कहना नहीं मानेगा? आपको तो सत्ता की ललक नहीं है? क्या आप अपने शिष्यों की पत्नी को सार्वजनिक रूप से अपमानित होता देख सकते हैं? उठाइए ना अपना धनुष। लेकिन आप चुप रहे क्यों? इस प्रश्न का उत्तर अपनी माँ से पूछो। जब मैं माँ से पूछता हूँ तो वो कहती है अपने पिता से पूछो। अब आप माँ की ओर संकेत कर रहे हैं। जो इसका जिम्मेवार है उससे ही पूछना चाहिए। मैं जिम्मेवार हूँ तुम्हारी चुप्पी के लिए? तुम्हें कुछ लगता नहीं है मुझ पर आरोप लगाते हुए? पुरानी बातों के संदर्भ में सोचो, गहराई से सोचो। क्या सोचूं? अपना ये नपुंसक आचरण ढकने के लिए मुझ पर आरोप लगा रहे हो? तुम्हें जरा लज्जा नहीं आती क्या? मैं पूछती हूँ कि कहाँ मर गया तुम्हारा आचार्य? तो क्या वो सिर्फ उस एकलव्य का अंगूठा कटवाने या सूत पुत्र कहकर उस कर्ण की अवहेलना करने तक ही सीमित था? आवेश कोई तर्क नहीं होता कृपी, और जरा अपनी और भी देखो। क्या देखू? तुमने अपने शिष्यों को राजसभा में रोका क्यों नहीं? क्या तुम्हारा उन पर कोई नैतिक अधिकार नहीं? तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि अपने शत्रु द्रुपद की उस कन्या को राजसभा में अपमानित होता देख तुम्हारे हृदय को एक हिंसक आनंद मिल रहा था? लेकिन वहां पर कृपाचार्य विदुर और भीष्म भी थे, वो चुप क्यों रहे? वे आचार्य नहीं है, तुम तो शिक्षक हो, परंतु तुमने उस दिन अपमान का घूंट पीकर शिक्षक को अन्याय सहने की परंपरा दे दी। और याद रखना, आने वाला इतिहास तुम्हें अवश्य कोसेगा। चुप कर तू। तू क्यों नहीं बोला? क्यों विरोध नहीं किया? जब वो दुर्योधन का भाई विकर्ण खड़ा होकर विरोध कर सकता था तो तू क्यों नहीं बोला? चुप क्यों है? तेरा ये अध्यात्म चिंतन, ये ब्रह्मात्म सब ढोंग है ना? तू स्पष्ट क्यों नहीं कह देता कि द्रौपदी का खुला शरीर देखने की लालसा तेरे हृदय को? चीखो मत। तुम दोनों ने उस दिन राज्यसभा में विरोध क्यों नहीं किया? बहुत होता दुर्योधन और कौरवों की सेना मिलकर उसी क्षण तुम्हारा वध कर देती, क्योंकि उस अवस्था में मुझे उतना दुख नहीं होता जितना कि आज है। और यही बात तुमने 20 वर्ष पहले क्यों नहीं कही? तो क्या होता? तो संभवतः ये घटना ही नहीं होती। और 20 वर्ष पहले मैंने ऐसा क्या कर दिया? याद करो जब अश्वत्थामा छोटा था, तुमने मुझे द्रुपद के सामने हाथ फैलाने और भीख मांगने भेजा था। उस समय तुम दरिद्र थे, हमारी परिस्थितियां कैसी थी? दो मुट्ठी आटा भी होता था क्या हमारे घर में? तुम्हें द्रुपद के पास न भेजती तो और क्या करती मैं? तुम्हें हमेशा से मेरी दरिद्रता से शिकायत रही, तुमने मुझे भड़काया, मेरी धनुर्विद्या पर अभिमान का एक भी शब्द नहीं कहा तुमने। ये सच है मां। तुम वो दिन क्यों नहीं याद करते जिस दिन दूध के स्थान पर आटे का घोल पिलाना पड़ा था मुझे अश्वत्थामा को? वही दिन था,
जब भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई थी। प्रतिशोध ने विवेक को खरीदा और तुमने मुझे भड़काया। तुम्हें अश्वत्थामा के लिए दूध चाहिए था, अपने लिए वस्त्र और राजकीय सम्मान। तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्यों मेरी हिचकिचाती आत्मा को शक्ति नहीं दी तुमने? क्यों मुझे सुविधा भोगी होने के लिए उकसाया? बोलो। मां, उस नाटे के खोल के बदले विष क्यों नहीं पिलाया मुझे? समझौते की संतान क्यों बनाया? पिताजी को ऋषि परंपरा से गिराकर राजपुत्रों की दास्ता में क्यों धकेला तुमने? अश्वत्थामा, समझौते ने मुझे झूठी प्रतिष्ठा दी, न्याय सम्मान दिया, सुविधाओं ने मेरी धार भौंतरी कर दी। मुझे एकलव्य का अंगूठा काटना पड़ा और कर्ण जैसे होनहार विद्यार्थी को व्यवस्था की आड़ लेकर ठुकराना पड़ा। पक्षपात शुद्रता ने मेरा स्वत्व छीन लिया। मैं दिन पे दिन छोटा आदमी होता गया। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ काम नहीं किया जो मनुष्य को मनुष्य बनाता हो। तो मैं कहां से सही आदमी का निर्माण कर पाता अशोक? पिताजी, अब इस राज की दास्ता को छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं बेटे, अब वो संभव नहीं। बहुत देर हो चुकी है। अब हमें उसका ही साथ देना होगा जो जो हमें अन्न देता है, जो हमें वस्त्र देता है। इस अवस्था में परिवर्तन संभव नहीं। द्रौपदी के इस अपमान के क्या परिणाम होंगे? युद्ध, सर्वनाश। मेरी दी हुई विद्या सहस्त्र बलिदान लेगी, क्योंकि मैंने सिर्फ धनुर्विद्या की शिक्षा दी। अश्वत्थामा, मुझे जलता हुआ भविष्य दिखाई दे रहा है। मुझे दिशाओं को बहरा कर देने वाला युद्ध का कोलाहल सुनाई पड़ रहा है। मुझे अपने विद्यार्थियों के शब्द दिखाई दे रहे हैं और द्रुपद से बदला लेने की हिंसक भावना मुझे ग्रस्त कर रही है। अश्वत्थामा, क्या कहा था तुमने? आइए प्रेसिडेंट साहब, देखिए कैसे लोग चींटी जैसे लग रहे हैं। कहा था या नहीं कहा था? कहा था, पर उस वक्त हाँ, प्रेसिडेंट उत्सुकतावश तुम्हारा सहारा लेकर आगे बढ़ा। तुमने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या उस समय तुम्हारा मन पाप से नहीं भरा था? मैंने उसे नहीं धकेला था। हाँ, लेकिन पापी विचार तुम्हारे मन में आया था या नहीं आया था? आया था ना? आया था। हिंसा थी मन में, पर प्रेसिडेंट बैलेंस नहीं संभाल सका और खुद ही गिर गया। क्यों? वो अपनी मौत मरा। हाँ, मैंने उसे नहीं मारा। मेरे दुश्मन मुझे फंसा रहे। कौन है तुम्हारा दुश्मन? आप किसका नाम हो? मैं बताता हूं, वो थे तुम्हारे संबंधी सहयोगी, जिन्हें तुम 500 के रसीद काट कर 300 रुपए का वेतन देते थे। और यही तो परंपरा है। लोगों को उम्मीद थी कि तुम इस परंपरा को तोड़ोगे। लोगों के इस तरह सोचने का जिम्मेवार नहीं हूं मैं। झूठ! फांसी का फंदा पास आता जा रहा है, फिर भी सच नहीं बोलना चाहते। क्या तुम हमेशा प्रोफेशनल एथिक्स पर लेक्चर नहीं दिया करते थे? मॉरल्स की बातें करते थे कि नहीं करते थे? ह्यूमन राइट्स का झंडा फहराते थे कि नहीं फहराते थे? तो लोग गलत करते थे तुमसे उम्मीद लगाकर, तुमने उन्हें दगा दिया है। जब तुम प्रेसिडेंट के साथ घूमने जाने लगे तो उन्हें विश्वास हो गया कि तुम प्रेसिडेंट के आदमी हो, उनके नहीं। मैंने अपने सहयोगियों को कभी नहीं सताया। पर उनके लिए कुछ किया भी तो नहीं है अरविंद। अब तुम बस ये सोच रहे हो कि कल चंदू अदालत में क्या कहेगा। वो सच कहेगा। तुम चाहते हो कि वो सच कहे? उसके सच बोलने का अर्थ भी समझते हो? तुम्हारा अपराध सिद्ध होगा उसके सच बोलने से। जानता हूं मैंने उसके साथ गलत किया, मेरा उससे विरोध रहा है, पर वो मेरा शिष्य है, अब वो मेरे लिए सच कहेगा। शिष्य होना काफी नहीं, वो
मनुष्य भी है और तुम्हारे इस हादसे का चश्मदीद गवाह। मैं ही कहने आया था उसे संभालो, उसे संभालो, उसे संभालो, उसे संभालो, उसे संभालो। गवाह चंद्रशेखर उर्फ चंदू से अपने प्रश्न पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। तुम प्रिंसिपल अर्जुन को कब से जानते हो? पिछले 8 साल से। किस तरह? कॉलेज में प्रोफेसर थे मेरे। तुम्हें कॉलेज छोड़े हुए कितने वर्ष हो गए? मैंने कॉलेज नहीं छोड़ा। तब? कॉलेज से निकाल दिया गया था। तुम्हें क्यों निकाल दिया गया? मैंने कॉलेज अथॉरिटीज का विरोध किया था। किस बात को लेकर? नकल को लेकर। प्रेसिडेंट के लड़के ने सबके सामने छुरा रखकर उस दिन नकल किया था। वो तो पकड़ा गया लेकिन उसकी रिपोर्ट दबा दी गई। जितना पूछा जाए सिर्फ उतने का ही जवाब दो। किसने दबाई रिपोर्ट? प्रोफेसर अरविंद और प्रेसिडेंट। इसका क्या प्रमाण है? इस बारे में पुराने प्रिंसिपल से पूछ लीजिए। कॉलेज से निकाले जाने के बाद तुम क्या करते थे? कुछ नहीं। कुछ नहीं है? कुछ नहीं यानी कुछ नहीं? मेरे अर्थ पर यकीन ना हो तो जाके शब्दकोश देखिए। सरकारी वकील के प्रश्नों का सीधा उत्तर दो। अदालत मजाक करने की जगह नहीं है। तो तुमने नकल नहीं की? तब पकड़े भी तो गए थे। जी। तब तुम्हारे पास अपना नकल न करने का दावा सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रमाण था? यूनिवर्सिटी का फैसला। योर ऑनर, सरकारी वकील के प्रश्नों का मुकदमे से सीधा संबंध नहीं है। योर ऑनर, मेरे हर प्रश्नों का मुकदमे से सीधा संबंध है। चंदू के उत्तर से साफ जाहिर है कि प्रोफेसर अरविंद ने राजकुमार की रिपोर्ट दबाई। इससे कि प्रोफेसर अरविंद के चरित्र के बारे में हमें नई जानकारी नहीं मिली। गो अहेड विद योर क्वेश्चन। तुमने अनुराधा नाम की किसी लड़की का नाम सुना है चंदू? जी सुना। किस तरह? कॉलेज में साथ पढ़ती थी। तुम्हारा और उसका इतना ही परिचय था? नहीं, मेरा उससे गहरा परिचय था। बट क्यों पूछ रहा? गहरे से क्या मतलब? हम दोनों प्रेम करते थे। क्या कॉलेज से निकाले जाने के बाद भी वो तुमसे प्रेम करती रही? जी, मरते दम तक मुझसे प्रेम करती रही। इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? इसके पत्र पड़े हुए हैं मेरे पास। जिस दिन अनुराधा ने आत्महत्या की उस दिन तुम बात? नाना एक्सपायर कर गए थे तो शहर से बाहर चला गया था। इसकी आत्महत्या का कारण बता सकते हो? यही है प्रोफेसर अरविंद। इसका क्या प्रमाण? जी मैंने कोर्ट में सच बोलने की शपथ ले रखी है सर। तुम इतने दावे से प्रोफेसर अरविंद को दोषी कैसे ठहरा सकते? प्रमाण है मेरे पास, ऐसी दोषी नहीं ठहरा था। कैसे प्रमाण? अनुराधा का लिखा हुआ आखिरी पत्र। क्या तुम अदालत के सामने वो पत्र पेश कर सकते हो? कल तक पेश कर दूंगा। क्या लिखा था उस पत्र? पत्र में लिखा था कि नकल ठीक शाम को 4 बजे तुम्हारा बगीचे में इंतजार कर रही थी। इसी वक्त राजकुमार आया, उसने पहले मुझसे छेड़खानी की फिर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। इस पत्र का मुकदमे से कोई संबंध नहीं है योर ऑनर। अदालत का कीमती वक्त खराब किया जा रहा है। ऑब्जेक्शन रिजेक्टेड। हाँ, तो पत्र में आगे क्या लिखा? आगे लिखा था कि इसी वक्त प्रिंसिपल साहब आ गए, उन्होंने मुझे बचाया, फिर मेरे हाथों से एक रिपोर्ट लिखवाई, कहा मैं राजकुमार के खिलाफ एक्शन लूंगा, उसके कमीने बाप से बहुत सी बातों का हिसाब चुकाना है। तो पत्र में ये लिखा था कि मुझे प्रेसिडेंट से बहुत सी बातों का हिसाब चुकाना है। जी यही लिखा था। जी इसके बाद क्या लिखा? आगे लिखा था कि और बाबूजी नहीं चाहते कि मैं मामले को आगे बढ़ाऊं, वो मेरे बदनाम होने से डरते हैं, लेकिन मैं लड़ूंगी और लड़ना मैंने तुमसे ही सीखा। मैं जानती हूँ कि प्रिंसिपल पर दबाव डाला जाएगा, उसे धमकाया जाएगा, मैं जा रही हूँ उसके पास पता करने के लिए वो मेरा साथ देगा या नहीं। अगर उसने मजबूरी में आके मेरा साथ नहीं दिया तो मैं शायद। और इसके बाद? मुझे जल्दी आने को कहा था। तुमने लौट कर पुलिस को वो पत्र क्यों नहीं दिखाया? प्रिंसिपल के बदल जाने में क्या होता, फिर वही हुआ जिसका डर। अनुराधा ने खुदकुशी कर उसे बचा नहीं सका और मैं हूं उसकी मौत का जिम्मेदार। अगर उस दिन मैं कि उसके जाने के बाद मैं पागल हो गया, और कुछ कहना? योर ऑनर,
अनुराधा के पत्र का एक वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर अरविंद ने रिपोर्ट लिखते समय कहा था कि मुझे राजकुमार के कमीने बाप से बहुत से हिसाब चुकाने हैं। इसका मतलब साफ जाहिर है कि प्रोफेसर अरविंद के मन में कहीं ना कहीं उसके मन में बहुत पहले से नफरत थी। उसके खिलाफ वो हर एक मौके का फायदा उठाना चाहता था। योरोना, तुम उस दिन पहाड़ी क्लिप की ओर क्यों गए? आत्महत्या कर लिया। लेकिन क्यों? जीवन से विश्वास उठ गया था मेरा। तो तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की? मैं क्लिप से कूदने ही वाला था। तो क्यों नहीं कूदे? मुझे पीछे बातचीत की आवाज सुनाई थी और पाव की आहट सुनाई थी। तो तुमने क्या किया? मैं एक बार झाड़ी में जाके सरक गया। तुमने किसे आते देखा? प्रोफेसर अरविंद और प्रेसिडेंट। और दोनों में क्या बातचीत हो रही थी? प्रोफेसर अरविंद बार बार प्रेसिडेंट को क्लिप की ओर ला रहे थे और प्रेसिडेंट हिचक रहा था। तब प्रेसिडेंट काफी देर तक मना करता रहा। तब प्रोफेसर अरविंद उसको नीचे तराई का मेला दिखाने का आग्रह कर रहे थे मालूम। और पीछे पीछे प्रेसिडेंट अरविंद खड़े थे। प्रोफेसर अरविंद का हाथ कहाँ था? प्रेसिडेंट की पीठ पर। वो उन्हें एकदम क्लिफ के छोर तक ले आए थे और नीचे मेला दिखा रहे थे नीचे तराई। प्रोफेसर अरविंद ने प्रेसिडेंट को धकेला था? बोलते क्यों नहीं? प्रोफेसर अरविंद ने प्रेसिडेंट को धकेला था? बोलो चंदू, क्या प्रोफेसर अरविंद ने प्रेसिडेंट को धकेला था? बोलते क्यों नहीं? अब क्या सोच रहे? कुछ भी नहीं। क्या तुम चंदू के बारे में नहीं सोच रहे? तुम्हें कैसे पता? मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं तुम्हारे मन के भीतर ही तो रहता हूँ अरविंद। हिंदू, चंदू सच क्यों नहीं बोला? और वो झूठ भी तो नहीं बोला अरविंद। उसने तो सिर्फ कहा कि हो सकता है। पर वो जानता था कि मैंने उस प्रेसिडेंट को नहीं धकेला। वो जानता था कि मैं खूनी नहीं हूं। उसने झूठ क्यों बोला? यही प्रश्न पूछा था द्रोणाचार्य ने। बिल्कुल यही प्रश्न, एकदम मरते हुए। अरे क्यों भूल जाते हो मेरा लिखा हुआ नाटक? हाँ, महाभारत का 15वां दिन, द्रोणाचार्य स्वयं सेनापति था। वो लड़ रहा था। उसने भयानक पद्माकार व्यूह की रचना की थी और पांडवों की सेना पर कहर ढा रहा था। उसी बीच मनाई जा रही है। क्या ये सच है? युद्ध में क्या सच और क्या झूठ? किसी का कोई भरोसा नहीं। क्या तुम इसको पांडव की चाल समझते हो? इस बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता आचार्य। जयद्रथ के वध का स्मरण कीजिए। सूरज सागर से फिर वापस आ सकता है। मुझे क्षमा करें, मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा। बताता नहीं। सुनो, तुम बताओ, क्या अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया? क्या मेरा पुत्र? मैं भी आप ही की तरह कोलाहल सुन रहा हूँ आचार्य। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है।
अर्जुन के बाणों से व्याकुल होकर कौरवी सेना इधर उधर भाग रही है। अब इस बीच में कैसे बताऊं कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा है या आपका पुत्र? मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं बता पाऊंगा। कौन बता? युधिष्ठिर आओ। युधिष्ठ आज्ञा गुरुदेव। युधिष्ठ क्या ये कोलाहल सुन रहे हो? हाँ गुरुदेव। इसको सुनकर मेरा मन कांप रहा है और मुझे कुछ समझ नहीं आता। क्या तुम सच बोलोगे? मैंने कभी झूठ बोला है गुरुदेव? इसलिए तो तुमसे पूछ रहा हूं। मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। यहाँ युद्ध में? हाँ इस युद्ध में ना सब कुछ सत्य है और कुछ कुछ झूठ भी। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में बताओ कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया कि मेरा पुत्र? मैं केवल इतना ही जानता हूं कि अश्वत्थामा मारा गया। सच बताओ, क्या वो नर था या कुंजर? इस प्रश्न पर मेरा पूरा जीवन निर्भर करता है। गुरुदेव, अश्वत्थामा अवश्य मारा गया, वो नर था या कुंजर? मेरा पुत्र अश्वत्थामा। जब मेरा पुत्र ही मारा गया तो मैं युद्ध लड़कर क्या करूंगा? और बलम मत करो दृष्टिद्युम्न, काटो बूढ़े की गर्दन। सावधान हो जाइए पुत्र। चंदू से करना ठीक है? तुम जानते हो तुम्हारे सवालों का जवाब क्या है। आवर ऑफ कन्फेशन इज अप्रोचिंग, पर तुम सच नहीं बोलना चाहते। सच बताओ, चंदू को झूठ बोलना किसने सिखाया? किसने सिखाया? तुमने और किसने? मैंने। हाँ, तुमने उसके लिए कब सच बोला? तुम्हारे हर झूठ ने उसके हर विश्वास को गहरे धक्के दिए। एक शिक्षक के रूप में तुमने उसे दिया ही क्या है? हर शास्त्र पर भाषण, माल्थस, पिगो और केन्स के सिद्धांत, ये तो किताबों से भी पढ़े जा सकते थे। सवाल है, तुमने क्या दिया? कुछ ऐसा दिया तुमने जो उसके जीवन को अर्थ देता? कि तुम बार बार रह रहकर मुझे दोष क्यों दे रहे? तुम बताओ, मुझे झूठ बोलना किसने सिखाया? बताओ। व्यवस्था ने, दम घोट कर रख देने वाली व्यवस्था ने। तो क्या मैं शुरू से ही कमीना था? नहीं, क्या मुझ में आक्रोश कम था या फिर छटपटाहट कम थी? मैं कहां मना करता हूं? नहीं। तो क्या मैंने कभी माल्थस, पिगो या केन्स के सिद्धांतों के आगे बढ़कर जीवन का सत्य खोजने की कोशिश भी नहीं की? की। तो तुम उस प्रेसिडेंट को क्यों नहीं खोजते? क्योंकि उसके पास शक्ति थी और व्यवस्था उसकी पीठ थपथपाती थी। शक्ति के कारण तुम्हारी नियति तय करने का उसे अधिकार था। सवाल है, जो उसने तय किया तुम उस पर चले क्यों नहीं? याद है जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई
तो सत्ता ने सीधे तुम्हारे अस्तित्व पर हमला किया, कभी प्रलोभन देकर तो कभी आतंक जमाकर। इसलिए विरोध मत करो, सब तरह का विरोध बकवास। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही कहता है, अगर व्यवस्था तुम्हें अपने इशारों पर भौंकने वाला कुत्ता बनाना चाहती है ना, तो भौंको, कुत्ते के पिल्लों को जन्म दो। चंदो और युधिष्ठिर मत पैदा करो, राजकुमार और दुर्योधन पैदा करो। क्या यही तुम्हारे बलिदान का निष्कर्ष है? इन शब्दों ने अपना अर्थ खो दिया है अरविंद। मेरा बलिदान, जानता है मेरी बीवी कहां पर है? अरविंद, मैं कैसे जान सकता हूं? तू जानता है, कह नहीं सकता। शहर छोड़ के चली गई, बस बूढ़े अफसर से बचने के लिए, उसकी भूखी नजर से बचने के लिए, उसकी टपकती लहर से बचने के लिए। उसके बाद भी तो ये आत्म बलिदान की भाषा का व्यभिचार करता है। झूठ है ये। शर्म नहीं आती तुझे? झूठ है ये। बस, जानता है तू कौन है? कौन? तू द्रोणाचार्य। नहीं। द्रोणाचार्य नहीं, व्यवस्था और सत्ता के कोड़ों से पीटा हुआ, इतिहास के धार में लकड़ी की ठूंठ की तरह बहता हुआ, नहीं, वर्तमान के कगार सा लगा हुआ सड़ा गला द्रोणाचार्य, व्यवस्था के लाइट हाउस से अपने टूटे जहाज की दिशा मांगता हुआ टूटे जहाज का द्रोणाचार्य। नहीं, मैं द्रोणाचार्य नहीं हूं। अरविंद, प्रोफेसर अरविंद, तू द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य, कौरवों की भाषा बोलने वाला, युद्ध में भी उनका साथ देने वाला, तू किस बात का प्रोफेसर है? तू द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य, एक और 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 द्रोणाचार्य। आप सभी का शुक्रिया नाटक देखने आने के लिए। मैं नाटक के निर्देशक मिस्टर सुनील चौहान जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए। थैंक यू सो मच, आप लोग आए नाटक देखने, तो एक बार जोरदार ताली आपके लिए। शुभम शर्मा, निशांत सिंह, प्रेम सिंह, रवि यादव, रतनदीप आनंद, प्रशांत, शिवांकर शर्मा, क्षितिज मिश्रा, हर्ष मेजर,
कल मैंने ये रिहर्सल देखी थी इनकी और रिहर्सल में ही पता लग गया था कि बहुत अच्छे और मंजेवे कलाकार हैं। इन्होंने अपना पूरा जी जान से करेक्टर को जिंदा करने की कोशिश करी है। और ये फेसबुक ये कल भी ऐसे ही थे, आज मैंने पहली बार आपके साथ ही इनका चेहरा देखा। इनके नाटक इनके ऊपर ही घूम रहा था और सबको घुमा रहे थे, बहुत बढ़िया रहा। मैंने टीम के काफ़ी लोगों के साथ पहले काम किया हुआ है, कुछ नाटकों में इनको निर्देशित किया है, बट इनकी ग्रोथ देखकर आज बहुत टाइम के बाद इनका नाटक देखा है, बहुत मज़ा आया। वेल डन, बेस्ट ऑफ लक। सिर्फ इतना, बहुत बढ़िया, सुपर। हमेशा की तरह दिनेश सर वाइंड अप भी करेंगे और लास्ट। है बस, इतने लोगों की मेहनत देखकर, आप लोगों की मेहनत देखकर बड़ा अच्छा लगता है। और मैं कहूँ आगे ही ऐसी तरह मेहनत चलती रहे, और अब तो मैं इसे अपनी टीम ही समझ रहा हूँ। थैंक यू सर। इसके बाद एक नाटक हो रहा है जुगाड़ कॉमेडी प्ले, आप लोग जरूर देखना 7 बजे से। उसके बाद 21 तारीख को हमारे 3 नाटक है, आधे अधूरे, एक्सीडेंटल डेथ और मेरी बीवी की शादी, ये वाला। थैंक यू सो मच।